जॉब सर्च एक्चुअल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी एक बड़ी भर्ती के बारे में। उसमें भी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग और RTI कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार मौका है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं, जिसमें आपकी अवेलेबल जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और 12 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। आज एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। अलग अलग जगह के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, इन आपके सेंटरों पर ये वैकेंसीज का आपकी पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन जिस हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए आपकी टोटल 29 पोस्ट पे ये वैकेंसीज रहेंगी। इसमें डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल के तरफ आपका होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉमेशन की पोस्ट है, जिसमें 17 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें आप इन संबंधित ट्रेड से आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट आपकी रहने वाली है ऑपरेटर फिटर की, जिसमें 105 पदों पर ITI जो भी आपके फिटर से किए हुए हैं उनके लिए आपकी वैकेंसीज रहेंगी। NCVT या NSC से आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी ऑपरेटर टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं 26 पदों पर, जिसमें इलेक्ट्रिशियन पदों पर जो भी कैंडिडेट है ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, ITI होना चाहिए। ऑपरेटर में वेल्डर के लिए आपकी 1 पोस्ट है, ITI होना चाहिए। उसके बाद में मेटल वर्कर के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं, आपके ITI होना चाहिए। टोटल इस प्रकार से 182 पदों पर आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट आप टोटल देख सकते हैं 1/5/2024 तक 28 साल आपकी UR और EWS के लिए रहेगी, और बाकी SC ST 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें आप SC ST हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। OBC हैं तो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉन क्लेमरस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इसमें 8 वीक की, सबसे पहले ज्वाइनिंग होने के बाद में 8 वीक की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। HAL जो आपकी जो हेलीकॉप्टर डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, गुजरात में, राजस्थान में या इसके अलावा आपका तमिलनाडु में यहाँ पे पोस्टिंग आपकी की जाएगी। तो यहाँ पे शानदार मौका है आपके पास। इसमें आप पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट क्या रहेगा आपका, जो पे स्केल है वो आपका इसमें अलग से चलता है, जो कि IDA स्केल अलग होता है। IDA स्केल के तहत ही इनका पेमेंट रहता है। डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए मिनिमम बेसिक पे 23,000 रहेगा, अदर अलाउंसेज वगैरह आपको मिलाकर 46,000 डायरेक्ट आपकी जाते ही आपकी जो भी पेमेंट रहने वाली है तो बहुत ही अच्छी खासी पेमेंट आपको रहनेगी। ऑपरेटर की जो ITI वाली पोस्ट है उनके लिए 44,454 रुपये आपके स्टार्टिंग में ही आपकी पेमेंट रहने वाले हैं, तो बड़ी अच्छी खासी पेमेंट आपको इसमें देखने में लेने वाली है। साथ में DA HRA जो भी आपके अलाउंसेज, मेडिकल अलाउंसेज, सभी आपके जो भी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपके रहने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट रूल कंपनी के रूल हैं उसके अनुसार आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे अलाउंसेज जो भी हैं ये आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, और अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 12 जून तक HAL की वेबसाइट पर आपको जाकर और ऑनलाइन स्टार्ट करना होगा। HAL आपका india.co.in आपका CO.IN पर आप जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, जो कि 12 जून लास्ट डेट आपकी इसमें रखी गई है। इंडियन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद में स्क्रीनिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग के बाद में सभी का एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद में आपका जो भी आपका कंप्लीट स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होगा, जो भी आपके यदि पास होंगे तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें यदि आप ये इसी क्वालिफिकेशन जो रखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित अदर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी लिंक आपको जो दी गई है आपको टेलीग्राम ग्रुप की और वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।